हमारी शॉप करीब करीब 80-90 साल पुरानी है। खट्टे चने फेमस है, ये खट्टे चने आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो देखिए ये हमारा मिनी समोसा यहाँ पे रेडी है। ये हमारा समोसा है, खट्टा चना है, ये ज्यादातर समोसा तब बाहर जाता है। ये इलाहाबाद का प्रसिद्ध है नाश्ते में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अभी हम लोग विजय सन्स में प्रयागराज में आए हैं एंड यहाँ पे इनका नमकीन काफी फेमस है। इनके छोटे समोसे से लेके अलग अलग वेराइटी में देखिए आप, बहुत सारी वेरायटी आपको मिलेगी यहाँ पे। तो सर अभी हमारे साथ है, सर अपना नाम पहले तो बता दीजिए। मेरा नाम मोहन है। हमारी शॉप करीब करीब 80-90 साल पुरानी है। तो मेन क्या क्या थोड़ा बता सकते, क्या क्या आइटम है यहाँ पे? मतलब मेन हमारा बहुत सारी मेरे को दिख रही है, मतलब मेन हमारा समोसा है, खट्टा चना है। अच्छा, कौन सा समोसा बोल रही है? ये समोसा छोटा समोसा। अच्छा, छोटा समोसा ही है। ये मसाले के समोसे होते हैं। ओके, ये ज्यादातर बाहर जाते हैं, ये महीना भर 25 दिन नहीं खराब होते। महीना 25 दिन खराब नहीं होगा, बाहर मतलब इंडिया के बाहर भी जाते हैं। खट्टे चने बहुत फेमस होते हैं। खट्टे चने फेमस है, ये खट्टे चने आपको कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। उसके बाद ये दाल मोठ आती है, दाल मोठ। ये रेट क्या रहता है और कैसे रहता है? ये 300 रुपए किलो दाल मोठ है। और दूसरे भी काफी मतलब वेरायटी है देखिए। और ये सर ये कुछ अलग साग है, मछली होती है लंबी साग। और ये कैसे बनता है, मतलब किस चीज का? मैदे अजवाइन का होता है। मैदे और अजवाइन, अच्छा। ये पंजाबी मछली है, ये इसमें काली मिर्च, जीरा, अजवाइन, ये सब रहता है। देखिए यहाँ पे छोटे समोसे बनने जा रहे हैं। और ये मेन ये किसका रहता है, मैदे का रहता है? मैदा है, मैदे का ये मतलब आटा है पूरा। देखिए ये आलू के मसाले होते हैं। अच्छा, आलू का मसाला है। आलू को इसमें भून दिया जाता है, ये गर्मी में 10-15 दिन में खराब होता है और ठंडी में तो एक महीना चलता है। वाह, ये ज्यादातर समोसा तब बाहर जाता है। ये आलू का रहता है ना मसाला? ओके, देखिए छोटा छोटा समोसा बना दिया। देखिए यहाँ पे ऐसे बेल रहे हैं, पूड़िया जैसा बना रहे हैं, फिर उसको कटिंग कर रहे हैं। देखिए पूड़ी जैसा बना दिया, कोल कटिंग करेंगे। देखो कटिंग करके यहाँ पे आ गया। और ये इसमें सर जी यहाँ पे ये मसाला भर रहे हैं। तो ये सर कितने का किलो रहता है? ये कैसे पीस के ऊपर रहता है? 6 रुपए 300 रुपए किलो। 300 रुपए किलो, अच्छा। और 6 रुपए का पीस मिलेगा? ओके। ये मसाले में सर आलू रहता है और कि ये ब्लैक कैसे हो गया? मतलब वो मसाला मिलता है ना, मसाला याद मसाला पकड़। अच्छा, मसाला रहता है। देखिए ये तो छोटे समोसे हमारे यहाँ पे रेडी है, इसको अभी फ्राई किया जाएगा, ठीक है ना? ये समोसे यहाँ पे रेडी हो गए हमारे, छोटे समोसे। देखिए 6 रुपए का समोसा एक है। देखिए छोटा समोसा भी फ्राई कर रहे पूरा। एक बारी में सर जी कितना ये आ जाता है? एक में कम से कम 20-30 एक दाल में 20-30 किलो, ये 7 किलो आएगा। कितना? 7 किलो? 7 किलो। अच्छा, पूरे दिन ये बनता रहता है सर जी? ये खत्म होगा तो पूरे दिन बनाते आप? हाँ, जब आप मतलब कितने साल से यहाँ पे कारीगर है? 40 साल हो गए ये लाइन में मतलब। ओके, तो सब कुछ आता है आपको बनाना? जी। वाह, पूरा इसको फ्राई किया जाएगा, धीमी आंच पे कर देना इसको सर जी, पूरा धीमी आंच पे। कितना टाइम लगेगा अभी इसको? मतलब कम से कम 45 से 40 मिनट लगेगा इसको। देखिए अभी 10 मिनट जैसा हुआ है, सब यहाँ पे धीमी आंच फ्राई कर रहे हैं। तो ये इसका कलर अभी चेंज होने लगा है, ब्राउन कलर हो गया अभी। देखिए कलर अभी काफी चेंज हो गया इसका, अभी अभी और करेंगे ना। अभी कितना टाइम लगेगा अंदाजे? 15-20 मिनट लगेगा। तो देखिए ये हमारा मिनी समोसा यहाँ पे रेडी है। तो देखिए इसमें से इस तरह से निकाला जाएगा ये। देखिए ये हमारा समोसे यहाँ पे रेडी है। वाह, तो ये क्या सर बनाया आपने? ये दमा खस्ता खस्ता होता है बड़ा, उसके ऊपर दमालू डाली जाती है। ओके, ये दमालू की दाल मोट आ गई। ये क्या बोल रहे इसको आप? ये खस्ता दमालू, यहाँ खस्ता दमालू बोलते हैं। अच्छा, ये कितने का रहता है? ये 12 रुपए पीस। 12 रुपए का ये
टीवी से अच्छा हुआ। ये इलाहाबाद का प्रसिद्ध है नाश्ते में, इलाहाबाद का प्रसिद्ध है।